नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी तमसा के तट पर जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आगे का शीर्षक है वन की यात्रा। ये कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांचक है, जी हाँ, क्योंकि इसमें राम, लक्ष्मण और सीता किस तरह से वन की यात्रा पार करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तमसा नदी को पार करने के पश्चात रथ तीव्र गति से बढ़ने लगा। द्रुत गति से दौड़ता हुआ रथ निर्मल जल से युक्त वेद श्रुति नामक नदी के तट पर जा पहुंचा। वेद श्रुति नदी को पार कर रथ दक्षिणा दिशा की ओर बढ़ता गया। वे उस स्थान में पहुंच गया जहां पर समुद्र गामिनी गोमती नदी प्रवाहित हो रही थी। सरिता के दोनों तटों पर सहस्त्रों गौ के झुंड हरी हरी घास चर रही थी। गोमती नदी को लांघ कर रथ ने मोरों और हंसों के कलवरों से व्याप्त रसनंदिका नामक नदी को भी पार कर लिया। यह क्षेत्र धन्य धान से संपन्न और अनेक जनपदों से घिरा हुआ था। राम ने सीता को बताया कि पूर्व काल में इस क्षेत्र को राजा मनु ने इश्वाकु को दिया था। शीघ्रगामी अश्वों के रथ को विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा तक पहुंचा दिया। सीमा के पार होते ही राम रथ से नीचे उतरे और अयोध्या की ओर मुख कर श्रद्धा पूर्वक वचनों में कहने लगे, सूर्यकुल के सत्यवादी नरेशों द्वारा स्नेह पूर्व परिपालित हे अयोध्या नगरी, विवश होकर आज मुझे तुझसे दीर्घ काल के लिए विलग होना पड़ा। हे जन्मभूमि, मेरी दृष्टि में तुम सदैव स्वर्ग से भी अधिक श्रद्धा पूर्वक और पूजने रही हो। तुम्हारी सेवा मेरा गौरव है, किंतु परिस्थिति वंश मुझे आज तुम्हारी सेवा से विमुख होना पड़ रहा है। हे जननी, तुम सदैव मेरे लिए प्रेरणामयी रही हो। तुम्हारी धूली मुझे चंदन की भांति शांति देती है। तुम्हारा जल मेरे लिए अमृतमयी और जीवनदायिनी है। तुमसे विदा लेते हुए मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। पिताजी की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष पश्चात मैं पुनः तुम्हारा दर्शन तथा तुम्हारी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। अब तक के लिए हे माता मुझे विदा दो। हे माता, तुम्हें शत शत प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। इतना कहकर राम ने अयोध्या प्रदेश की धूली को मस्तक से लगा लिया। उनके नेत्र अश्रु पूरित हो गए, किंतु प्रयास करके उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और पुनः रथ पर बैठ गए। रथासीन हो जाने पर पश्चात वे लक्ष्मण एव सीता को मातृभूमि की गरिमा एव महत्व के विषय में बताने लगे। वे कलुष नाशिनी परम पावन भागीरथी गंगा के तट पर पहुंच गए। उस सुरमय वातावरण में वे बहुत देर तक चकित से खड़े रहे। उन्होंने देखा दूर दूर तक लहराते हुए खेत नेत्रों को सुख देने वाली हरितमा बिखेर रहे हैं। वातावरण अत्यंत सुरमय है। स्वर्ण कलशों से सुशोभित धवल मंदिर भक्ति की भावना को जागृत कर रहे हैं। वहां के समस्त आश्रम सामगान की ध्वनि गुंजामायन हो रही है। वायुमंडल हवन कुंडों से निकले वाले धुएं से सुगंधित हो रहा है। अनंत काल से ऋषि मुनि द्वारा सेवित पवित्र भागीरथी कल कल नाद के साथ द्रुत गति से प्रभावित हो रही है। गंगा के जल में हंस कारडंव आदि पक्षी विहार करते हुए मधुर स्वर में गाना गा रहे हैं, मानो वे गंगा की स्तुति कर रहे हो। त्रिपथा पुण्य सलीला गंगा के दोनों तटों पर खड़े वृक्ष रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित है।
ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वे अपने फूलों का अर्थ चढ़ाकर गंगा का अभिषेक कर रहे हों। वे इस मनोमुग्धकारी छवि निहारने में लीन हो गए। कुछ काल के पश्चात राम सुमन से बोले, मंत्रीवर, आज हम यही विश्राम करेंगे। हंगोदी के उस विशाल वृक्ष पर कितने सुंदर तथा आकर्षक फल लगे हुए हैं। आज हम इन्हीं फलों का आहार करेंगे और रात्रि भी यहीं पर व्यतीत करेंगे। रामचंद्र आदेश पाते ही सुमवत के रथ को हगुंदी के वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया और अश्वों को निकट की हरी हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी वन की यात्रा, जी हाँ, जो कि राम लक्ष्मण और सीता द्वारा वन की यात्रा, जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं अगली कहानी, जिसका शीर्षक है भील राज ग्रह, जल्द ही इसी चैनल द्वारा आप तक पहुंचाती रहूंगी। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।